प्रदेश के सभी सम्माननीय संस्थाओं के प्राचार्यगण, विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिका बहने एवं प्रिय विद्यार्थियों, मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में अंकुर महाअभियान जो पौधरोपण वृक्षारोपण से संबंधित है चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम से आप भलीभांति परिचित हैं। इसी श्रृंखला में 17 सितंबर 2021 को विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारतवर्ष के विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का 71वां जन्मदिन भी है और मध्य प्रदेश सरकार ने उनके इस जन्म दिवस को विद्यालयों में छात्रों के द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम किया जावे साथ ही भारतवर्ष की आजादी के 75 वर्ष बाद अमृत महोत्सव के रूप में ये आजादी का वर्ष मनाया जा रहा है। इस कड़ी में भी हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इन सभी कार्यक्रमों में आपकी कितनी सहभागिता है, आप इन कार्यक्रमों के प्रति कितना सजग हैं, इसकी जानकारी शासन आपके मोबाइल में काम करने वाले वायुदूत ऐप के माध्यम से एकत्रित करती है। 17 सितंबर 2021 को प्रदेश के समस्त विद्यालयों में आयोजित वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम की जानकारी भी आपको वायुदूत ऐप में अंकित करनी है। अब इस मोबाइल ऐप वायुदूत ऐप में किस तरीके से आप जानकारी फिलअप करेंगे, कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, इस पर इस संबंध में विस्तृत जानकारी के साथ आज का ये वीडियो आपको समर्पित है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए शिक्षक साथियों, प्रिय विद्यार्थियों, हम वायुदूत ऐप में लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, प्लांटेशन और इसकी फोटो किस तरीके से अपलोड करते हैं, इसकी बहुत ही सरल तरीके से जानकारी मोबाइल के थ्रू सीखते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले आपको अपना एंड्रॉयड मोबाइल हो या आईफोन हो, दोनों में ये ऐप उपलब्ध है, अपने मोबाइल को ओपन करिए। इसके बाद में सभी में आपका एंड्रॉयड में प्ले स्टोर और एप्पल में एप्पल प्ले स्टोर होता है, उस पर आपको क्लिक करना है। मैं उदाहरण ले रहा हूँ एंड्रॉयड मोबाइल का, मैंने प्ले स्टोर पर क्लिक किया। प्ले स्टोर पर क्लिक करने के बाद आपको सर्च बॉक्स में टाइप करना है वायुदूत, VAY। जैसे ही आपने ये टाइप किया वायु, पहला ही ऑप्शन आपको दिखेगा वायुदूत अंकुर, इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो वायुदूत एंकर अंकुर कार्यक्रम के तहत जो वायुदूत ऐप है उसको इंस्टॉल करने का ऑप्शन या स्क्रीन आपके सामने होगी। इसमें ग्रीन स्ट्रिप में, ग्रीन कलर की पट्टी में लिखा है इंस्टॉल, इस पर क्लिक करेंगे। इंस्टॉल पर क्लिक करिए। जैसे ही आप इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे आपके वायुदूत ऐप के इंस्टॉलिंग की प्रक्रिया, बहुत छोटा ऐप है 6.19 MB का, इंस्टॉल जैसे ही सफलतापूर्वक वायुदूत ऐप आपके मोबाइल में हो जाएगा तो उसमें दो ऑप्शन आपको दिखेंगे, अनइंस्टॉल और ओपन। आप ओपन पर क्लिक करिए। जैसे ही आप ओपन पर क्लिक करेंगे
आपको आपकी भाषा चुनने का ऑप्शन प्राप्त होगा। इसमें आप इंग्लिश या हिंदी दो में से कोई एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने चूज कर लिया हिंदी। इसके बाद ओके पर क्लिक करिए। ओके पर क्लिक करने पर ये स्क्रीन आपके सामने उपस्थित है। यहाँ पर आपको इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन एप्को के तहत जो ये आपका वायुदूत ऐप डेवलप किया गया है उसकी स्क्रीन आपके सामने है। आपको यहाँ पर दो लॉगिन दिख रहे होंगे, दो ऑप्शन, सिटीजन लॉगिन और वेरीफायर लॉगिन। आपको क्लिक करना है सिटीजन लॉगिन पर। ये क्लिक कर दिया। इसको क्लिक करने के बाद आपको लॉगिन करने के पहले ये ऐप आपके मोबाइल कैमरा लोकेशन सब के लिए परमिशन मांगेगा। उस परमिशन को आप बड़े प्यार से देते जाइए। तो अलाउ वायुदूत टू चेक पिक्चर्स एंड रिकॉर्ड वीडियो। तो आप तीसरा ऑप्शन जो डिनाई है उसको छोड़ करके पहला दूसरा जो चूज कर सकते हैं। सबसे बढ़िया होता है पहला ही चूज कर लीजिए व्हाइल यूजिंग दिस ऐप। ये आपने चूज कर लिया। इस पर क्लिक करने के बाद अगली जो विंडो है वो ये होगी। आप ऐसे थोड़ी कि इसमें आप सीधे इस वायुदूत ऐप में आप अपने आप को रजिस्टर कर पाएंगे या काम कर पाएंगे। आपके रजिस्ट्रेशन की जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रक्रिया है वो अब चालू हो रही है। यहाँ पर आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर इंटर करना होगा। वहाँ पर आपको उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी मिलेगा। ओटीपी का मतलब वन टाइम पासवर्ड। उस पासवर्ड की मदद से आप इसमें सफलतापूर्वक लॉगिन कर पाएंगे और वृक्षारोपण कार्यक्रम में आप ऑनलाइन अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने की गवाही सुनिश्चित कर पाएंगे। तो मोबाइल नंबर इंटर कर देते हैं। मान लीजिए मैं मोबाइल नंबर इंटर कर रहा हूं। सिक्स सेवन, ये मैंने मोबाइल नंबर इंटर कर दिया। अब मैं यहां से ओटीपी प्राप्त कर लूंगा। जैसे ही आप गेट ओटी पर क्लिक करेंगे तो आपके इस मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड मिल गया होगा 4 अंकों का। अब आपको यहाँ पर अपने आप को वेरीफाई करने के लिए आपके मोबाइल में SMS द्वारा प्राप्त 4 अंकों का मोबाइल नंबर OTP नंबर फिलअप करना होगा। ये सामने आपको दिख रहा है 19। यहाँ पर जो मुझे OTP प्राप्त हुआ है 1959, तो मैंने फिलअप कर दिया 1959। अब मैं वेरीफाई पर क्लिक करूंगा। ये देखिए इनवैलिड बता रहा है क्योंकि मैंने गलत ओटीपी डाल दिया है। यहाँ पर सही ओटीपी है 1955। मैंने 9 कर दिया। मुझे यहाँ पर अपने को 1955 करना होगा। सही ओटीपी दर्ज करने के बाद आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है। जैसे आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्क्रीन आपके सामने होगी। यहाँ पर पांचों फील्ड में स्टार लगा हुआ है रेड कलर में। इसका मतलब है ये कि ये सभी पांचों फील्ड मैंडेटरी हैं, अनिवार्य हैं, जानकारी आपको भरनी होगी। पहली फील्ड में मोबाइल नंबर आपका भरा हुआ है। दूसरी फील्ड में आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चुनना होगा। मान लीजिए कि मैं अपना डिस्ट्रिक्ट चुन लेता हूँ। मैंने चूज कर लिया सतना। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना नाम भी भरना होगा। मान लीजिए कि सतना के किसी इस मोबाइल नंबर जिसके नाम पर रजिस्टर्ड है उसका नाम भी अपन ने यहाँ पर भर दिया। अब यहाँ पर नाम भरने के बाद आपको चलिए मैं ये नाम मैंने भर दिया। आपको भी इसी प्रकार भरना है। इसके बाद यहाँ पर जेंडर आपको चूज करना है।
यहाँ पर आपको जेंडर चूज करना है। जेंडर चूज करने के लिए आप यहाँ पर पहुंचेंगे। बहुत ही ध्यान से आपको ये सारा कार्यक्रम करना है। जेंडर में आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपका जेंडर है वो आप चूज कर लेंगे। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस फिलअप करना है, जो भी आपका पूरा एड्रेस हो वो यहाँ पर फिलअप कर दीजिए। मान लीजिए मैंने केवल सतना भर दिया, आप अपने पूरे पूरा जो आपके मोहल्ले का एड्रेस है वो आपको फिलअप करना है। इतना करने के बाद आपको पहुंचना है सबसे नीचे वाले ऑप्शन सेव पर। यहाँ पर आप सेव कर दीजिए। सेव पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सिटीजन इंफॉर्मेशन अपडेट सक्सेसफुली, आप ओके पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे ये विंडो आपके सामने होगी। यहाँ पर तीन ऑप्शन है, न्यू प्लांटेशन, सेकेंड फोटो कैप्चर एंड अबाउट अंकुर प्रोग्राम। न्यू प्लांटेशन में जब आप क्लिक करेंगे तो पहली बार आप जिस साइट पर जिस जगह पर पौधा लगा रहे हैं उस पौधे की फोटो आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। ध्यान दीजिए, जब आप ये मोबाइल जब ये आप वायुदूत ऐप चलाएंगे तो आपकी जो लोकेशन वो मोबाइल में आपके ऑन होनी चाहिए। चलिए हम एक उदाहरण लेते हैं, न्यू प्लांटेशन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कौन सा पेड़ आप लगा रहे हैं उसको चूज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अचार, अमलतास, अशोक, आंवला, इमली, करजई, बहुत सारे, तो जो भी आप पेड़ लगा रहे हैं वो यहाँ से आप चूज कर लीजिए। चूज करने के बाद आप कितने पौधे लगा रहे हैं वो आप यहाँ पर भर दीजिए। इसको भर फिलअप करने के बाद आपका जो सबसे नीचे ही है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये है आपका फोटो। क्लिक हियर टू कैप्चर फोटो। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो फोटो को कैप्चर करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको अपने डिवाइस को मोबाइल रन करने के लिए अलाउ करना होगा। जैसे ही आप अलाउ करेंगे तो ये फोटो जो भी जहाँ पर भी आप पेड़ लगा रहे हैं, मैं तो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मेरा लैपटॉप सामने दिख रहा है, आप जहाँ भी पेड़ पौधे लगाएंगे उसकी फोटो यहाँ पर आएगी, आप उसको कैप्चर कर लीजिए। और कैप्चर करने के बाद में जैसे ही आप उसको कैप्चर कर लेंगे ये आपकी फोटो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। इसके बाद साथियों आपको सीधे प्लांटेशन साइट का इंफॉर्मेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको प्लांटेशन साइट का इंफॉर्मेशन भरना है। यानी आपने जहाँ पर पौधे लगाए हैं उस गांव का नाम क्या है, जगह का नाम क्या है, जिले का नाम क्या है, तहसील का नाम क्या है, प्रदेश का नाम क्या है, ये आपको यहाँ पर जानकारी भरनी चाहिए। इतना करने के बाद आपको सबसे लास्ट में सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपकी इन्फॉर्मेशन वायुदूत ऐप के थ्रू मध्य प्रदेश शासन में जानकारी आप उन तक पहुंच जाएगी। तो मित्रों ये था जो बहुत ही महत्वपूर्ण था, जो आगामी 17 सितंबर 2021 को सभी विद्यालयों में जो बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम है माननीय देश के मुख्य प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश में अमृत महोत्सव के अंतर्गत मनाया जाने वाला जो कार्यक्रम है बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, इन सभी कार्यक्रमों में जो विद्यालय की भूमिका है वो प्लांटेशन के बाद में वायुदूत ऐप पर उसकी इन्फॉर्मेशन फिलअप करना, और नंबर दो विभाग द्वारा शेयर किए गए गूगल फॉर्म में भी ये जानकारी आप सभी शिक्षक साथियों और संस्था प्रमुख को भरनी है। कृपया इसको प्राथमिकता के तौर पर लें और इस वीडियो को देख करके भली भांति समझ लें। तो मित्रों आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में हम फिर आप के साथ में मुखातिब होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।